हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे फूलों का राजा गुलाब के बारे में। ये देखिए, ये है इंग्लिश रोज़। गुलाब की कई वैरायटियाँ होती हैं, जैसे देसी रोज़ होता है, जैसे मेरे ऊपर लगा हुआ है, एक ये इंग्लिश रोज़ होता है, एक बटन रोज़ होता है। देसी रोज़ की तो सिर्फ दो तीन ही कलर दो कलर होते हैं, एक वाइट होता है, एक रेड होता है। खुशबू बहुत होती है। और इंग्लिश रोज़ में तो बहुत कलर होते हैं, रेड, येलो, पिंक, आपका और मरजेंडा, बहुत सारे कलर होते हैं। अब तो बहुत ही आ गया। अच्छा, इसमें किस्में भी बहुत होती हैं, आबरा का डाबरा गुलाब में, और आपका फ्लोरिडा, और एक क्राइम वाला आता है, रोज़ क्लाइंबिंग वाइन वाला, जो बेल की तरह चढ़ जाता है। और एक होता है ये बटन रोज़, इसमें भी खुशबू नहीं होती, इसके फूल काफ़ी छोटे होते हैं। ये देखिए, इतने फूल होते हैं सिर्फ इसके। बट इसमें फ्लावर जो है बंच में आते हैं। ये देखिए, एक ही जगह पर चार चार पाँच पाँच की कलियाँ आएंगी। ये देखिए, ये होता है, इसमें खुशबू नहीं होती है, मगर फूल बहुत टाइम तक टिका रहता है। ये इंग्लिश रोज़ की खुशबू नहीं होती। एक येलो था लास्ट ईयर मेरे पास, उसमें बहुत खुशबू थी, अब तो नहीं है वो मेरे पास, ख़राब हो गया था बीच में। तो इसकी खुशबू नहीं होती, उसमें बहुत खुशबू होती थी, एकदम अंदर तक अच्छा फील कराने वाली खुशबू। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश रोज़ के बारे में। ये एक गुलाबों जो है फूलों का राजा है, तो इसको ट्रीटमेंट भी राजा वाले ही चाहिए। हाई फीडिंग प्लांट है, खाना चाहिए इसको हर 10 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10-12 दिन बाद तो चाहिए, तभी आपको अच्छे फ्लावर देगा। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है इंग्लिश रोज़, ये ग्राफ्टेड रोज़ होता है। ये देखिए, ये जो होता है ये ग्राफ्ट किया होता है किसी उसके ऊपर, देख रहे हैं आप, इसके ऊपर ये निकलती है, ये ग्राफ्टेड एरिया होता है, ये वाला जो होता है। सॉरी, एक मिनट। ये जो होता है ये ग्राफ्टेड एरिया होता है, यहाँ से निकलती है ये। इंग्लिश रोज़ में क्या होता है कि ग्राफ्ट वगैरह वो नहीं होता है, सीधा नीचे से निकलता है। ये ग्राफ्ट किया होता है और उसके ऊपर इसकी ये ब्रांचेज निकलती है। ये देखिए, ये भी ऐसे ही है, ये ग्राफ्ट है ना, ये ग्राफ्टेड एरिया होता है। इसको ज़मीन से ऊपर रखना पड़ता है, अगर आप इसको अंदर कर देंगे तो फिर ये पौधा ख़राब हो जाता है। ठीक है, इस ग्राफ्ट एरिया को आपको ऊपर रखना पड़ता है मिट्टी से। ठीक है, ये नॉन ग्राफ्टेड होता है। ये एक स्टिक होगी तो भी अपने आप ही नीचे से निकल के बहुत सारे निकल आते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक ही थी, गर्मियों में थोड़ा ख़राब सा हो गया था, एक ही थी, और इसके बहुत सारे प्लांट निकल आए नीचे से अपने आप। ओके, ये जो है इसमें क्या सकर्स निकल आते हैं नीचे से कई बार, तो वो क्या, ये ग्राफ्टेड एरिया से नीचे से, ये वाली डंडी देख रहे हैं आप, यहाँ से निकल आती है डंडियाँ, तो वो क्या, वो बहुत स्पीड से बढ़ती है, 2 दिन में भी, 3 दिन में भी आपको इतनी लंबी हो जाएगी। बट वो पौधे का न्यूट्रिशन लेते हैं, उसके ऊपर फ्लावर कभी भी नहीं आते। तो अगर आप ग्राफ्टी रेडिया के नीचे अगर शकर सकर देखते हैं तो उनको निकाल दें, हटा दें। आपके प्लांट के इस ग्राफ्ट के एरिया के ऊपर ही इंग्लिश रोज़ के अंदर डंडियाँ होनी चाहिए, स्टेम्स होनी चाहिए, तभी इसमें फूल आएंगे। अगर नीचे की तरफ आएगा तो फूल की मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो बढ़ने ही नहीं देता, सारा न्यूट्रिशन वो सकर्स ले लेते हैं, और थोड़े थोड़े अगर वो ज़्यादा हो गए तो थोड़े टाइम बाद ही आपके पौधे को ही ख़त्म कर देते हैं। सिर्फ वो झाड़ी सी निकली रहेगी, फूल कभी नहीं आएगा उसके अंदर। आएगा भी तो कोई बिल्कुल छोटा सा, कोई एक आधा आ गया, अदरवाइज़ नहीं आते हैं फूल उसके अंदर। सॉयल की इसकी बात करें तो इसकी मिट्टी भाई वेल ड्रेन होनी चाहिए, सॉगी सॉयल ना हो, कि पानी डालें और निकल जाएँ, थोड़ी देर रहे पानी। ठीक है, मिट्टी में जो है आप गोबर की खाद अच्छी मिलाएं, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है इसके लिए। इवन वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट से भी ज़्यादा गोबर की खाद इसके लिए बहुत हेल्दी है। तो मिट्टी और एक पार्ट आप गोबर की खाद, और बाकी आप नीम खली, थोड़ा बोन मील, ये सब मिला के इसकी मिट्टी प्रिपेयर कर दें। सनलाइट इसको पूरी चाहिए, 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए इसको। अगर सनलाइट इसकी पूरी नहीं होगी तो ये फूल नहीं खिलाएगा, और इसके कलर बहुत अच्छे नहीं आएंगे, बहुत कम मात्रा में फूल खिलाएगा। तो इसको सनलाइट पूरी ही चाहिए। फर्टिलाइज़र, जैसे मैंने आपको बताया, इसको फर्टिलाइज़र चाहिए हर 10 दिन बाद। इसमें आप गाय की गोबर की खाद या कोई भी गोबर की खाद, बकरी जो भी मिल जाए आपको, उसकी गोबर की खाद डालें खूब सारी, और हर 10वें दिन 1-1.5-2 मुट्ठी इसके अंदर डाल दें। ठीक है, चाय की, इसकी सॉयल जो है थोड़ी एसिडिक होती है, तो इसमें चाय की पत्ती, जैसे जो हम चाय पीते हैं उसकी पत्ती सुखा के उसके अंदर डाल सकते हैं। एग खाते हैं कुछ लोग जो, तो एग के छिलकों को धो के, आउटर जो वाइट वो होता है, धो के उनको और सुखा के क्रश करके इसकी मिट्टी के अंदर डाल दें, तो ये भी एक अच्छा, मतलब न्यूट्रिशन देता है पौधे को। और चाय की पत्ती हो गई आपकी, और एसिडिक सॉयल चाहिए इसको थोड़ी सी, तो वही चाय की पत्ती, आपकी खाद हो गई है,
कोई भी गोबर की खाद या कोई भी डाल दें आप खाद इसके अंदर, बोन मील इसके अंदर ज़रूर डालें, ठीक है, एक बोन मील करके आती है वो खाद डालें, तो उससे इसको अच्छा कलर और अच्छे फ्लावर्स आते हैं, हेल्दी रहता है। जब पौधा शुरू होता है मतलब इसका जब ग्रोइंग टाइम जो है इसकी सर्दी होती है बेस्ट, वैसे तो गर्मी भी देता रहता है, एक दो फूल आते रहते हैं हल्के कलर के, आ गए छोटे आते हैं, पर ऐसे फूल नहीं आते हैं, तो इसकी जो है आप सर्दियों के इसका ग्रोइंग टाइम होता है, सर्दियों में बहुत अच्छे, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे इसके फूल बहुत आएंगे, ठीक है। ये देखिए कितने सुंदर फूल आए हुए हैं और काफ़ी दिन से आए हुए हैं ये, मैंने लास्ट हाइब्रिड हिबिस्कस की बनाई थी तब भी थे इसके ऊपर तो। और एक जैसे मेरा ये रानी कलर का है, इसका बड़ा सा फूल है, अगर इसमें वीडियो होगी तो मैं डालूंगी एक छोटी सी वीडियो, तो ये है, ठीक है। तो ये अपना फर्टिलाइज़र हो गया, फर्टिलाइज़र इसको अच्छा डालिए आप, NPK 19:19:19 लाइए बैलेंस्ड, तो वो जो है इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, एक आधा चम्मच जो है 1 लीटर पानी के अंदर डाल के इसकी पत्तियों पे स्प्रे करें, तो वो भी इसके लिए अच्छा सोर्स है इससे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं आप। अच्छा, ये जो होता है बटन रोज़ होता है, इसमें खुशबू नहीं होती, इसका फूल भी बहुत टाइम तक रहता है इसके ऊपर, बहुत टाइम तक। एक चीज़ और बताती हूँ, देसी गुलाब जो होता है हमारा, उसके अगर 1-1.5 दिन 2 दिन रहता है मैक्सिमम उसका फ्लावर, ज़्यादा किया तो 3 दिन, तो उसको जब हाथ लगाएंगे तो इसकी पत्तियाँ गिर जाएंगी। ऐसे ही इसकी इंग्लिश रोज़ की भी क्या, जैसे ये स्पेंट होने का टाइम इसकी पूरी लाइफ हो जाएगी फूल की, तो इसको हाथ लगाएंगे तो इसकी पत्तियाँ अपने आप गिर जाती है, बट बटन रोज़ में ऐसा नहीं होता। बटन रोज़ में अगर इसकी लाइफ प्लांट इसकी पौधे इसकी ख़त्म हो गई है फूल की, तो ये फूल यहीं से टूटेगा, ऐसा नहीं होता। इसकी पत्तियाँ कभी भी सेपरेट नहीं होती है, हमेशा इसकी पत्तियाँ इसके ऊपर ही रहती हैं, फूल निकलता है पूरा डंडी समेत, ये देखिए जैसे ये निकल रहा है ना, ये यहाँ से निकल जाएगा। जब इसका फूल ख़त्म हो जाता है, मुरझा जाता है, या काफ़ी टाइम हो गया देख लग रहा है फ्रेश फूल नहीं हो गया, ख़त्म हो गया उसकी लाइफ, तो आप इसको, इसके अंदर एक लीफ फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जैसे ये है, इसके नीचे आप देखेंगे ना, ये देखिए 3 पत्ती, ये देख रहे हैं, ये 3 पत्ती है, फिर 3 पत्ती 3 पत्ती, 3 और 5 पत्ती का पैटर्न होता है इसके अंदर। तो आप इसका जैसे ही फूल हट जाता है तो इस 5 पत्ती के नीचे से आप कट कर दीजिए उस डंडी को, फूल वाली डंडी को, तो फिर नीचे से और निकल आते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें तो कहीं से भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अपने आप ही निकल आता है, वैसे ही बहुत निकल जाते हैं इसके नीचे से, देखिए कितने सारे निकल गए हैं, ये देखिए कितने सारे निकले हुए मेरे इसमें, देख रहे हैं इसके नीचे, मैं दिखाऊंगा आपको, एक निकल रहा है, एक और निकल रहा है जो मैं अभी दिखाती हूँ, एक मिनट, ये देखिए ऐसे निकलता है इसके नीचे से, देख रहे हैं, ये ऐसे निकलेगा और बड़ा हो जाएगा, ऐसे ये बड़े हो जाएंगे ऐसे नीचे से अपने आप ही। इसको सेपरेट भी कर सकते हो आप, कि ये चलो एक ब्रांच ये इसकी सेपरेट करके दूसरे उसमें लगा दी, ये ऐसे निकल आते हैं, बट इसमें नहीं निकलता है, इसमें आपके यहीं से निकलेगी, जो निकलेगी नीचे से निकलेगी तो मतलब ये पौधे को ख़त्म कर देगी, जो सकर्स होते हैं वो इसमें बंच में आते हैं, ये देखिए कितने सारे आ रहे हैं एक ही जगह एक साथ निकलते हैं, एकदम सुंदर सा प्लांट लगता है, फुल बंचीज में निकलते हैं इसके। और अच्छा, इसमें क्या है, इंसेक्ट बहुत लग जाते हैं, जैसे इसके पीछे की तरफ एफिड्स लाल वाला जो है कीड़ा होता है वो लग जाता है, तो उसके लिए होता है कि हर 10 दिन बाद आप इसको साफ या ट्राइकोडर्मा या फिर इमिडोक्लोप्राइड नहीं कहूँगी, साफ और ट्राइकोडर्मा जो है उसका 1 ml पानी में मिला के और इसके ऊपर स्प्रे करते रहिए, थोड़ा सा आधा चम्मच डाल लीजिए 1 लीटर पानी में और उसके ऊपर स्प्रे करते रहिए, ताकि इसके नीचे कीड़े ना लगें। कई बार इसकी पत्तियाँ ब्राउन हो जाती है, जल जाती है, वो सारे एफिड्स वगैरह होते हैं जो इसके नीचे पत्ते के लग जाते हैं, तो उनको आप हटाते रहिए, ज़्यादा ही हो रहे हैं तो पत्ती को तोड़ के फेंक दीजिए, तो ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ऐसा सच कुछ नहीं, धूप इसको अच्छी चाहिए, पानी जब भी डालें प्रॉपर डालें, हल्की सी मॉइस्ट सॉइल रहनी चाहिए इसकी, ड्राई नहीं हो बिल्कुल भी, पानी डालते रहें। और फर्टिलाइज़र आपको बता दिया मैंने, सनलाइट भी इसको पूरी चाहिए, पूरा 7-8 घंटे 6-7 घंटे की धूप जो होती है वो चाहिए। और इंसेक्टिसाइड्स के लिए आप वही इंसेक्ट के ऊपर आप हर 10 बार 12वें दिन नीम ऑयल और उसका, और या कभी नीम ऑयल का कर दिया या फिर कभी भी साफ का डाल के इंसेक्टिसाइड जो है इसके ऊपर स्प्रे करें, तो ये कोई इसमें ऐसे इंसेक्ट विंसेक्ट नहीं लगते हैं, जब हम बिल्कुल ही केयरलेस हो जाते हैं तभी लगते हैं इंसेक्ट, अदरवाइज़ ये बहुत ही सुंदर प्लांट है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो मैं यहीं तक, एक बार आपको दिखाऊँ दोबारा से, ये देखिए इस तरह के निकले हुए हैं बटन रोज, ऐसे निकले हुए हैं मेरे बहुत सारे बंच में, ये देखिए। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए वही बिस्कस का, देखिए इसमें कितनी कलियाँ निकल गई हैं, देख रहे हैं अभी और भी निकले, एक साथ 4 फूल निकले, बहुत दिन तक टिकते हैं ये, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो आज यहीं ख़त्म करती हूँ, कल किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड अगर कोई भी क्वेरी हो इस प्लांट के बारे में या किसी भी अन्य प्लांट बात इसके प्लांट के बारे में,
तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछे। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।